रहा है सब ये देखो कुछ। जंगलों के बीच में समाधि है, पेड़ों के बीच में, किसी को नहीं पता। हाँ कहाँ, किसी को पता नहीं पड़ता। Hey guys, what's up everybody? मेरा नाम है यशकोर और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो कि पहाड़ों के बीच में है। इन पहाड़ों में कहीं उसमें से पानी आ रहा है। ये सारा पानी जो है ये ऊपर पहाड़ों से आता है, ऊपर पहाड़ है ये सारे। ये सारा पहाड़ों का पानी अंदर से आता है, सारा जड़ी बूटियों का पानी, क्योंकि जो पहाड़ है ये अरावली पर्वतमाला जो कि पूरी इंडिया में फैली हुई है। पुष्कर आते हो घूमने के लिए तो आप पुष्कर में आने के बाद हर एक जगह नहीं जा पाते हो। पुष्कर में बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे कि अब एक प्लेस बताता हूँ, आ जाओ। ये देखो ये हिडन केव है, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो वाली गुफा बनाई हुई है, ताकि लोग अगर जाए तो इसको यहाँ से देख के डर जाए, या फिर अंदर जाए तो वो बंद कर रखा है रास्ता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर रियल गुफा देखनी है तो वो गाइस इधर है, ये देखो। सरप्राइज फॉर यू ऑल। यो मैन, दिस इज द प्लेस। ये बहुत छोटी जगह में है, रिस्क ले रहा हूँ जाने का। ये प्लेस है, पहले हमको झुक के अंदर जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, ओके। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, मकड़ी का जाला। मुझे नहीं पता ये आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मकड़ी का जाला है। और ये आप लोगों को शायद इस कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा, ये पानी सारा रिस्क कर और उस मुख से बाहर आता है। ये देख सकते हो दिए जला रखे हैं और यहाँ से ही रास्ता है आगे जाने का। पता है मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये देखो फेस बना हुआ है, जो कि ऊपर से जो पहाड़ों पे से पानी जो रिस्क के गिर रहा है उससे एक फेस बन रहा है, दो आंखें और एक मुंह, और ये पूरा फेस बना हुआ है। कोई भी देखेगा तो उसको लग जाएगा जैसे कोई देख रहा है। यहाँ पर पानी हर जगह से आ रहा है, ऊपर नीचे से हर जगह से पानी आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते। पहले आज मौसम भी बहुत अच्छा है, वो देख सकते हो सूरज बादलों में छुपा हुआ है। ये माता जी का मंदिर है, भीमा माई जिनका नाम है, और ऐसा हमारे जो पुराने लोग हैं उनका कहना है कि ये एक चमत्कारी मूर्ति है और ये चमत्कारी प्लेस है, यहाँ पे एनर्जी है। और ये फैक्ट बात है, ये पुष्कर से कुछ ही दूरी पर है, ये देख सकते हो पुष्कर, ये पुष्कर है पूरा। और पुष्कर से कुछ ही दूरी पर एक प्लेस, यहाँ पे देख सकते हो रात में शेर पानी पीने के लिए आता है, तो उसके लिए। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ ऊपर है भोलेनाथ का मंदिर, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाता हूँ। सबसे पहले शेर से, ये है शेर। बाप जी नमो नारायण। तो आप रात को भी यहीं पे रुकते हो? रुकते हो, रात को रुकते हो आप यहाँ पे? हाँ। फिर रात को आपने कई बार यहाँ पे उनको जानवर वगैरह को देखा होगा, वगैरह वगैरह आता है, आते हैं यहाँ पे? आते हैं, मालूम पड़ जाती वो बैर नहीं, वो बंदर है नहीं। हाँ। तो खर खर बोलते है। अच्छा, तो मालूम पड़ जाती भाई बगेरा है, नहीं तो बंदर बोलते नहीं। दादा गुरुजी कहता, गुरुजी कहता नहीं। ये तो बात सच है कि ये तपोभूमि और पुष्कर में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह है जो जिसमें एक अंदर ही एक एनर्जी है। और यहाँ के प्लेस में भी एक अलग ही एनर्जी है। आप लोग जब यहाँ पर आओगे, ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस लिया है कि काइंड ऑफ एनर्जी नहीं, सारी गुड एनर्जी है यहाँ पे बाबा जी के साथ। आप आशीर्वाद दे दो मेरे को। और देख सकते हो इतनी सारी मधुमक्खियां बड़ी वाली, लेकिन ये किसी को कुछ भी हार्म नहीं करती है। पानी का कलर एकदम साफ है। हम जा रहे हैं, देखो खजूर का पेड़ देख यार कितना अच्छा लग रहा है। रियली अमेजिंग प्लेस। ओह शिवलिंग, एक और भोलेनाथ शिवलिंग है, अंदर है सब कुछ। ये देखो जंगलों के बीच में समाधि है, पेड़ों के बीच में, किसी को नहीं पता। हां कहां, किसी को पता नहीं पड़ता। ये सब साधु महात्मा की जो समाधि है, सारी की सारी, सारे के सब संतों की समाधि है। ये देखो पेड़ों के नीचे
पता नहीं कितना कितना युगों की है। ऊपर मुझे सबसे खतरनाक जो समाधि है ना वो ये वाली लगी है। हाँ। इस समाधि के लिए बापूजी बोल रहे हैं कि समाधि नीचे इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा है और फिर इसके ऊपर शिवलिंग बिठा है। हाँ, पत्थर रख दिया, बनाने की जरूरत नहीं। आप पे मान लो तीन आदमी अच्छी बात करोगे नहीं तो सौ दो आदमी अपना कने आने बैठेगा। बहुत ही मजा आया। तो आज की वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं बाबा जी के साथ में। बाबा जी आज मैं आपके साथ में वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ। तो आप ना इन सभी को बोल दो सबको लाइक करके जाना, और जो नए हो फेस जो है मेरा वो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब का जो बटन है ना वो दबा के और बेल आइकन का बटन दबा के जाना। सब व्यूअर को आशीर्वाद बाबा की तरफ से। खुश रहो। चाओ बोले, चाओ बोले, चाओ चाओ चाओ। जय भोलेनाथ।